तौर पर वो बेवकूफ। अच्छा करने लगता है, ये सिगरेट का धुआं उसके जीवन में दाग लगा देता है और उसके जीवन को खाक बना देता है। अच्छा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वैसे मैं एक बात पूछूं? आप पूछो। मैं हूं तंबाकू, मैं अपने लिए हानिकारक नहीं हूं, पर दूसरों के लिए बहुत हानिकारक हूं। और सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए तुम खतरनाक हो वो है पर्यावरण। इसका मतलब मैं हर जगह बैठ चुका हूँ। बनेंगे हम, इस पर सवाल करेंगे हम, ये तंबाकू को करेंगे हम, इस पर विचार करेंगे हम। हाँ भैया, विचार तो करेंगे। हाँ भैया, विचार तो करेंगे। और इसका व्यापार कैसे बढ़ाना है, इस पर विचार करेंगे। In India, tobacco use has significant impact on health and mortality, which leads to 1 million adults dying each year due to tobacco use, accounting for 9.5% of overall deaths. Smoking and exposure to secondhand smoke kills about 1.2 million Indians each year, and smokeless tobacco use kills about 230,000 Indians annually. Thank you, signing off. मैं कामिल यूसुफ शाहनव आपके साथ रफ्तार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे। जानते हैं इसके बारे में कुछ खास खबरें। तंबाकू से कई प्रकार का कैंसर होता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर। फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू को ही माना जाता है। फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को रहता है जो स्मोकिंग करते हैं। लिवर कैंसर के कारण भारत में हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। लिवर में होने वाला संक्रमण व्यक्ति को किसी भी समय मौत या आगोश में सुला सकता है। मुंह के कैंसर से भारत में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जूझ रही है। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानने के लिए अपने रिपोर्टर के पास और ग्राउंड की रिपोर्ट लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे सिगरेट का धुआं हमको इफेक्ट करता है। आपका नाम? मेरा नाम दीपांशु है सर। तो दीपांशु जी, अगर आपके साथ में खड़े होकर सिगरेट पी रहा है तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? विचार तो ये है कि मरेगा तो ये मरेगा, मैं तो ना। ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत गलत विचार है आपके। आपको शायद नहीं पता, अगर आपके साथ में खड़े होकर ये व्यक्ति सिगरेट पी रहे हैं तो इनके धुएं से आप भी पीड़ित हो सकते हैं। अच्छा सर, इसका मैं ख्याल रखूंगा कि आइंदा से मेरे आसपास कोई सिगरेट ना पिए और उनको भी मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। हेलो, हाँ, मेरा कंसाइनमेंट कहाँ तक पहुंच गया है? अच्छा अच्छा, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा पूरे देश में फैला दो। कोई भी जवान लड़का और लड़की इसके चुंगल से बच नहीं पाए। अच्छा, ये तू भी है वो। हाँ, मैं आम आदमी हूँ। वो तस्वीर है उसी आम आदमी जिसकी बर्बादी के बदौलत तूने ये साम्राज्य खड़ा किया है, वही आम आदमी जिसकी जिंदगी बर्बाद कर करके तूने इतने पैसे कमाए हैं। कैसे पहचानेगा? तू तो बस जहर बेच के पैसे कमाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा बेटा कभी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो गया ऐसा।
तेरी सांस नहीं लगी, तू जॉगिंग पे नहीं जा पा रहा, तू ढंग से सांस नहीं ले पा रहा। अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं, तुझे पता भी नहीं होगा, तेरा बेटा बोल भी नहीं सकता, वो सांस भी नहीं ले सकता, उसके मुंह में छेद है, उसके मुंह में छेद है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। बर्बाद हो गए हम सब, बचा नहीं पा रहा हूं। तो तू भी ये सब छोड़ दे, त्याग दे ये शहर को बेचना, अपनी बेटी को एक अच्छी प्रेरणा दे। मैं अपने बेटे को तो बचा नहीं पाया, लेकिन बाकी आदमियों आम आदमियों के बेटों बेटियों को तू बचा सकता है, तू ही बचा सकता है, छोड़ दे इसको। मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हो, तो छोड़ दे इसको, आज ही मैं इसको त्यागता हूँ और नशे का बिजनेस और व्यापार को मैं छोड़ता हूँ। इस नाटक का अर्थ, इस नाटक का अर्थ हमारा